खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिन पर आए सूरत कोर्ट के फैसले के बाद में अब कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद उनकी सांसदी जो थी उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन रद्द करने के बाद में अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के सामने अब विकल्प क्या है और क्या राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे उसे तो छोड़िए, अब 2029 में भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या कहते हैं नियम और क्या है अब राहुल गांधी के सामने विकल्प, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए मोदी जो सरनेम है उसे लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 जो कि मानहानि की धारा है इसके तहत तब मामला दर्ज कर लिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल कि राहुल के लिए अब आगे क्या, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के बाद किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायकी सांसदी चली जाती है। इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। राहुल की सांसदी चली गई है, अगर कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल 2024 और 2029 का लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि 2 साल की तो सजा है, यानी कि 2024 तो ऐसे ही गया, सजा पूरी करने के 6 साल तक अयोग्य रहते हैं, यानी 2029 भी गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल के सामने विकल्प क्या है। तो आपको बता दें राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत दी है। राहुल सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कोर्ट अगर सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगाती है तो उन्हें राहत मिल सकती है। वहीं राहुल लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले की तरह राहत की भी उम्मीद कर सकते हैं। फैजल को एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी, उनकी सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया था, हालांकि तब हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के लोकसभा महासचिवालय के फैसले को भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस केस में यह है कि अब राहुल गांधी 2024 और 2029 का चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे, खासतौर 2024 जिसमें वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन दो बातें हैं यहां पर कि राहुल गांधी को अगर अगले 30 दिनों में हाईकोर्ट से राहत मिलती है और फैसले पर स्टे लगता है तो उनकी सदस्यता उन्हें वापस मिल सकती है। इसके अलावा सचिवालय के फैसले के खिलाफ वो अदालत का रुख कर सकते हैं, जो कि संभवतः वो करेंगे ही। इस पर आपकी क्या राय, इस रिपोर्ट पर नीचे का कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद।